ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं अटारी बाघा बॉर्डर की तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की सीमा है, इधर अटारी बॉर्डर की जो हिंदुस्तान की सीमा है, यहाँ पर महिलाओं की तरफ से आर्मी के जवानों को जो राखी बांधी जा रही है, तस्वीरें आपको अटारी बाघा बॉर्डर की दिखाई जा रही है। विशेष रूप से जो पूर्व सेहत मंत्री जो और दुर्गाना मंदिर के प्रधान लक्ष्मीकांत चावला जी आर्मी के जवानों को यहाँ पर राखी बांधने आए हैं। जो रक्षाबंधन का त्यौहार सारे हिंदुस्तान में बड़ी ही उत्साह से मनाया जा रहा है, तस्वीरें आपको अटारी बाघा बॉर्डर की दिखाई जा रही है। देखो भाई, आज रक्षाबंधन है, ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। ये घर में केवल इतना नहीं है कि भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधे और थोड़े से नोट ले लें या गिफ्ट ले लें, ये सिरों का सौदा है, ये नोटों का सौदा नहीं है। मेरी देश की सभी बहनों से अपील है, मैंने कल भी की है आप लोगों के द्वारा ही, कि भाई जहाँ भी रहते हों, पुलिस से लेकर सेना तक अर्धसैन्य बल जो नज़दीक हैं, कम से कम 5 हाथों पर राखी बांधो। ये राखी जो जिस हाथ पे जाएगी वो हमारी सुरक्षा करेगा, भारत माता की रक्षा करेगा, देश की अखंडता की रक्षा करेगा। हमारी राखी यहाँ बंध रही है, ये मंदिर के उस दीपक की तरह है, एक मंदिर में जलता है, संपूर्ण विश्व में परमात्मा जहाँ जहाँ है उसके लिए प्रार्थना करता है। हमारी ये प्रार्थना है कि हे प्रभु, जल में, थल में, नभ में, जहाँ हमारे सुरक्षा जवान देश की रक्षा में लगे हैं, उन सबको इतनी शक्ति देना, उनका हाथ इतना मजबूत हो जाए जैसे बजरंग बली का हाथ था, और उनका पाम अंगद के पाम जैसा हो जाए। जहाँ मेरे देश का जवान पाम रखे वहीं हिंदुस्तान बन जाए, ये हमारी राखी के माध्यम से शुभकामनाएं हैं। बॉर्डर ही क्यों चुना गया? बॉर्डर पर ही तो सुरक्षा होती है। आप उनसे प्रश्न करिए जो बॉर्डर नहीं चुनते कि बॉर्डर पर क्यों नहीं आते। घर के एसी रूम में बैठकर राखी बांधने का मतलब है पर महत्व नहीं है। ठीक है, आप जवानों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, क्या कितना उनका उत्साह? नहीं नहीं, जवानों का उत्साह जवान के दिल से पूछो। एक बार एक जवान की आंखों से लंबे लंबे आंसू बहे, कहता है 26 साल बाद मेरे हाथ में किसी बहन ने राखी बांधी है, नहीं तो घर से लिफाफा बांध ही आता था। तो ये क्या है, इसी बॉर्डर पर एक जवान ने कहा था, तब सांप के काटने से 2 दुर्घटना हुई थी, उन्होंने कहा था एक दिन की राखी हमें 365 दिन के लिए बल देती है, हम दुश्मन के लिए काल भी बन सकते हैं, दोस्त भी बन सकते हैं। देखो ये कुदरत का नियम है, युगों तो चला है, कुछ लोगों का काम ही है, उन्होंने 2-2 4 कहोगे तो 5 कहेंगे, 5 कहोगे तो 4। जिहड़े एसीआं च बह के राजनीति करते हैं ना, एक बार इत्थे आ, अगर वो एसीआं च बैठे तो इन्हां दी बदौलत बैठे, जे लोग साड़ी ना रक्षा करे, तुहानूं पता साडा गुआंढी मुल्क साडा किन्ना प्यार करदा, उहदा वास चले एसीआं छड्ड के सानूं उस तरह ना जीण देवे। जे असीं तरक्की कर रहे, आराम दी जिंदगी जी रहे, हुण वी रस्ते हर साल नवीं डिवेलपमेंट होई हुंदी है, इह लोकां दी बदौलत, इह साडी ना रक्षा करदे हुण ना एसीआं च छड्ड के असीं उस तरह वी ना बह सकीए। उन्हां नूं वी खास दस्सदा कि घट तों घट दिन तिहार वाले दिन जिहड़े लोग साडे पिछे अपनी जान दी बाजी लांदे आ, उन्हां नूं आ के तिहार उन्हां नाल मनाया करो, उन्हां दा वी हौसला वधदा, साडे पिछे अपने बच्चे छड्ड के एडी एडी दूरों आ गए इतने बैठे है। इस कारण सारे आगे अपील है कि एक दिन वास्ते कोई भी तैयार होवे, नहीं इतने आ सकते, जो आस पास तुहाडे कोल सेंटर फोर्सेस पुलिस कोई भी जो सुरक्षा अधिकारी है, उन्हों का मनोबल उच्चा करो, उन्हों का मनोबल उच्चा होएगा तो आपे ही तुहाडा हो जाएगा। हर साल ही आईदा भैन जी नाल, भैन जी तो अज 55 ईयर हो गया, 68 तो आ रहे, सानू भी 20-25 साल हो गया, पर इतने आ के जो सुकून मिलता ना,
घर त्यौहार मना के नहीं। सारे ना वड्डी गल है कि ये लोग साढ़े पिछे पूरे मुल्क की रक्षा पिछे दिन रात इतने खड़े रहते हैं, पर जिस दिन इतने आईद इन्हों के चेहरे के त्यौहार वाले दिन की खुशी देख के जो एहसास होंगे और कित नहीं होंगे इन्हों वेख के अपना, क्योंकि ये तो दिन रात साढ़े पिछे लगे रहेंगे, नेरी होवे मीह होवे धुप होवे सर्दी होवे, पर खासकर रखड़ी वाले दिन इतने आ के जो सुकून मिलता ना और कित नहीं मिलता।